बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक चीज़ की ज़रूरत दे रहा था यहाँ पर, और वो था जी 2000 रियाल अगर भेजें अभी। तो मैंने एक वीडियो शेयर की आपके साथ जब मैं सऊदीया से आया तकरीबन 3-4 माह पहले। अभी उसके ऊपर 1,10,000 मेरा ख्याल है व्यू हो चुके हैं। आप भाइयों का प्यार मोहब्बत काफ़ी मिला उस वीडियो के ऊपर। तो उस टाइम मैंने 2000 रियाल चेंज करवाए पाकिस्तान में आकर, एक कम्प्लीट वीडियो बनाई तो 1,00,000 के अराउंड में तकरीबन पैसे बने थे। अभी मैं आज का जरब देख रहा था 2000 के अभी कितने बनते हैं भाई, 1,20,000 के अराउंड में रकम बन रही है अभी 2000 की। ठीक है जी, आपको रेट दिखाता हूँ यार। मैं सबसे पहले डॉलर रेट के अंदर की बात कर ले, 226.81 रुपये था कल का रेट, और आज हो चुका है 228.37 रुपये। रोज बरोज डॉलर छलांगे लगा रहा है। अभी आपको एक्सचेंज रेट डॉलर का, सॉरी रियाल का जो आज का है वो दिखा दूँ। 60.86 रुपये हो चुका है आज का रेट, 20 पैसे कल की नस्बत बढ़ चुका है। इंडियन 21.30 एंड बांग्लादेशी टका 26.50 रुपये हो चुका है। बांग्लादेशी टका एंड इंडियन रुपीज़ भी बढ़ रहे हैं अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से। अभी सुन लें, सबसे पहले आपको मैं वेस्टर्न यूनियन का रेट बता दूँ। वेस्टर्न यूनियन के बैंक जद्दा में भी हैं, ताइफ में भी हैं, हर सिटी में होता है एक बैंक इनका। वेस्टर्न यूनियन का रेट सबसे पहले सुन लें जी, 69.83 रुपये हो चुका है आज का रेट, 23 रन की फीस है। मनीग्राम का रेट सुन लें, मेरे हिसाब से हाई रेट है जी सबसे, 60.19 रुपये। कितना? 60.19 रुपये मनीग्राम का रेट है जी, 23 रन फीस है इनकी। टैली मनी यानी कि ANB बैंक के मतलब बात करें, 69.30 रुपये इनका रेट है, 15 रियाल इनकी फीस है जी। अगर बात करें STC पे के मतलब तो इनका रेट 69.65 रुपये रहा है, 17 रियाल 25 लाले फीस है। तहरील राजी बैंक के मतलब बात करें, 69.27 रुपये रेट रहा और 10 रियाल 17 एंड 23 रियाल फीस है। इंजाज बैंक 69.37 रुपये, 10, 17 एंड 23 रियाल फीस है। फौरी बैंक बैंकल जजीरा 69.25 रुपये रेट, 10 रियाल फीस के साथ है। कल एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, भाई ये आप 10, 17, 23 क्या बोलते हैं यार, ये बैंकों की फीस होती है, कहीं किसी सूरत में 10 कट जाते हैं, किसी सूरत में 17 कट जाते हैं, किसी सूरत में 23 कट जाते हैं, और कई सूरतें ऐसी भी होती हैं जिनमें वो 30 रियाल भी काट लेते हैं आपसे जब आप पैसे भेजते हैं। इसके मतलब मैं डिटेल से बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, आपको इंशाल्लाह फिर किसी दिन बता दूंगा।